सभी का स्वागत है। गुजरात में दीपावली के बाद नया वर्ष शुरू होता है, तो मैं गुजरातियों के नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का नया वर्ष शुभ हो, ऐसी ईश्वर से कामना भी करता हूं। मित्रों, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके 15 साल एक दृष्टि से देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कल्याण राज्य कैसे बन सकता है, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। जब देश को आजादी मिली, संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार का लोकतंत्र हो इसकी कल्पना रखी और उसके उद्देश्य तय किए, तब इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो नीचे से नीचे है, इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों काम करें और उसके कल्याण के लिए काम करें। इस प्रकार के कल्याण राज्य की कल्पना करी थी। गांधी जी ने उसको राम राज्य का नाम भी आजादी के पहले दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल के अंदर छत्तीसगढ़ को बदलने का भरसक प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। जब छत्तीसगढ़ की रचना अटल जी की कल्पना से हुई, तब मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है छत्तीसगढ़, बीमारू राज्य माना जाता था। मध्य प्रदेश स्वतः ही बीमारू था, उसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा और अविकसित। रचना के बाद पहले चुनाव में छत्तीसगढ़ की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, श्री रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और 15 साल से छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर रमन सिंह सरकार की है तो नक्सलवाद पर रमन सिंह सरकार ने नकेल कसने का काम किया है, लगभग छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की पहचान एक जमाने में पिछड़े हुए राज्य के बारे में होती थी, अव्यवस्था, आर्थिक बीमारूपन, उसकी जगह आज छत्तीसगढ़ पावर हब बना है, सीमेंट हब बना है, इस्पात हब बना है, एल्यूमिनियम हब बना है, एजुकेशन हब भी बना है और हेल्थ केयर हब भी बना है। और डॉक्टर साहब अब छत्तीसगढ़ को डिजिटल हब बनाने की दिशा में भी आगे बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ का 2018 का चुनाव बाकी सब राजनीतिक दलों के लिए जीतने हारने का चुनाव हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो संकल्प पत्र के लिए छत्तीसगढ़ का चुनाव नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण का चुनाव है। जनादेश जनाशीर्वाद से हमें भरोसा है कि हम चौथी बार सरकार में आएंगे और अभी एक मणिकंचन योग है कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां छत्तीसगढ़ में श्री रमन सिंह जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये दोनों सरकारें मिलकर छत्तीसगढ़ को और आगे ले जाने के लिए कृतसंकल्प बनेगी और ये छत्तीसगढ़ का संकल्प पत्र, इस पर डॉक्टर रमन सिंह जी बाद में बात करेंगे, मगर छत्तीसगढ़ के अंदर जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन के लिए मैं आपको जरूर कुछ चीजें बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, छत्तीसगढ़ में सबसे पहला काम अंत्योदय को हमने प्राथमिकता दी,
एक रुपया किलो चावल, निशुल्क नमक, निशुल्क चरण पादुका, निशुल्क साइकिल, ये सारी चीजें नीचे तक भ्रष्टाचार विहीन व्यवस्था से सुचारू रूप से पहुंचाने का काम किया। कृषि उत्पादन बढ़ाना एक विषय होता है, कृषि की लागत में कमी करना एक दूसरा विषय होता है। मेरी देश भर की सरकारों को आंकड़ों का अध्ययन है, कृषि की लागत पर सबसे ज्यादा कमी करने में कोई सरकार ने सफलता पाई है तो वो रमन सिंह सरकार ने पाई है, कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। एक और कृषि की लागत कम करी, दूसरी ओर धान की और बाकी उपजों की खरीदी के लिए एक वैज्ञानिक व्यवस्था करी, उनको बोनस के साथ एक अच्छा दाम देकर किसान के घर में समृद्धि पहुंचाने की बात करी। राशन की दुकान जो गरीब के लिए पेट भरने के लिए सबसे आशास्पद स्थान होता है, उसको निजी हाथों से हटाकर सहकारीकरण करा और आईटी का उपयोग करते हुए इसके लीकेज पर 0% ले जाने में छत्तीसगढ़ सरकार ने सफलता मिली। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी, प्रमुख सारी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदना, सबसे पहले कौशल उन्नयन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए अपना कानून बनाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना और कौशल उन्नयन के माध्यम से गरीब ट्राइबल बच्चे, गरीब पिछड़ी जाति के बच्चों को रोजगारी देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है। मनरेगा की योजना को भी भ्रष्टाचार विहीन तरीकों से नीचे तक पहुंचाया और देश में 150 दिन तक रोजगारी मनरेगा की देने वाला सबसे पहला राज्य बना। मनरेगा के अंतर्गत 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार छत्तीसगढ़ राज्य ने दिया और गर्भवती माता को एक माह के अवकाश के साथ, मजदूरी के साथ अवकाश का भी उसको फायदा दिया। कौशल अधिकार को, कौशल विकास को अधिकार के रूप में देने का काम सबसे पहले छत्तीसगढ़ ने किया है और 14% का लक्ष्य समाप्त करने वाला छत्तीसगढ़ सबसे पहला राज्य बना है। प्रदेश के सभी जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज स्थापित करने वाला ये पहला राज्य बना। असंगठित मजदूरों के 15 लाख से अधिक परिवारों को 4 दर्जन से अधिक कल्याणकारी योजनाओं से समाहित कर इनके जीवन में एक नई आशा का संचार किया। अल्पकालीन लोन किसानों को 0% पर उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। सौर सुजला योजना 51,000 से ज्यादा किसानों को उसका बेनिफिट दिया। स्वास्थ्य बीमा और अमीर गरीब जाति सब भेद मिटाकर 50,000 रुपये तक निशुल्क करने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सरकार ने करी है। उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान केवल और केवल 1% पर करने का काम किया है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं गिना सकता हूं, मगर आज दिन है आपको आगे की योजना बताने का और हमारे मुख्यमंत्री जी उसको बताएंगे, मगर मैं अनुसूचित जनजाति के वनवासी भाइयों के लिए लगभग 3,48,000 वन अधिकार पत्रों का वितरण कर 7,00,000 एकड़ भूमि जिसका अधिकार वनवासियों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ने किया है। आदिवासी बहुल जिलों में बीपीएल विद्युत कनेक्शनों की संख्या 1,20,000 से बढ़कर 5,50,000 करना और आज हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने की दिशा में छत्तीसगढ़ काफी आगे निकल गया है। 24 घंटा बिजली रोड रस्तों से ठेठ आदिवासी गांवों तक एक जाला बुनना, पूरे राज्य में सड़क, बिजली, पानी, दवा, बीज, शिक्षा, रोजगार
ये सारी चीजों को मुहैया कराना और कांग्रेस के झूठे प्रचार के सामने लड़ते हुए जन कल्याण में 15 साल तक लगे रहना, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी चुनौती थी। पहले 10 साल श्री रमन सिंह जी ने अकेले छत्तीसगढ़ के विकास की धुरा संभाली, 10 साल के बाद 2014 में छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत सारा किया है। सबसे पहले ट्राइबल विकास के लिए जो हुआ है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, लगभग देश भर में 18,000 करोड़ का फंड, 65 विकास के प्रकल्प, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य को लगभग 3,000 करोड़ का फंड मिला है। 115 पिछड़े हुए जिले जो SC ST बहुल जिले हैं, इसके विकास के लिए आगे बढ़ाना, बांस मिशन को आगे बढ़ाना, वन बंधु कल्याण योजना के तहत प्रत्येक आदिवासी ब्लॉक के लिए 10 करोड़ रुपया देना, मैं मानता हूं बहुत बड़ी उपलब्धि है। 184 नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल बनाए गए और छत्तीसगढ़ की भूमि पर से ही वनधन जनधन और गोवर्धन योजना को 30 लाख से ज्यादा आदिवासियों को रोजी रोटी देने की योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के शासन में हमेशा बात उठाई जाती थी कि भाई किसानों को ठीक से इनका दाम मिलना चाहिए उपज का। आयोग के बाद आयोग बनते थे मगर कुछ नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की जो मुख्य सिफारिश थी, 1.5 गुना समर्थन मूल्य, लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य, उसको पूरा किया और आज 200 रुपये की बढ़ोतरी प्लस रमन सिंह बोनस 300 रुपये का, 500 रुपया ज्यादा भाव से धान की खरीदी शुरू हुई है। मक्के की खरीदी भी बहुत अच्छे दामों से शुरू करने का काम किया है। मैं दो आंकड़े जरूर आपको बताना चाहूंगा। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ सरकार को 13th फाइनेंस कमीशन के तहत 48,088 करोड़ रुपया मिलता था, 48,088 करोड़ रुपया। 14th फाइनेंस कमीशन आया, 13वां वित्त आयोग समाप्त हुआ, 14वां वित्त आयोग आया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी और 14वें वित्त आयोग में 14th फाइनेंस कमीशन में नरेंद्र मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए जो 48,088 करोड़ रुपया मिलता था उसको बढ़ाकर 1,37,927 करोड़ रुपया देने का काम किया। लगभग 90,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हुई। इसके अलावे सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए 14 करोड़, कृषि सिंचाई योजना के लिए 45 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 680 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 500 करोड़, स्मार्ट सिटी रायपुर के लिए 192 करोड़, स्वच्छ भारत के लिए 210 करोड़, रेल लाइन रघोट से जगदलपुर 2000 करोड़, पैलेट प्लांट 4,826 करोड़, भिलाई प्लांट का विस्तार 9,350 करोड़, अमृत योजना 9 शहरों के लिए 1,000 करोड़ और पर्यटन ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के लिए 100 करोड़। कुल मिलाकर 18,000 करोड़ रुपया और देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके अलावे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के 3600 करोड़, मुद्रा लोन के 10,000 करोड़, उदय टर्नराउंड अवधि में 3100 करोड़, लगभग मुद्रा बैंक के लाभार्थी 26 लाख, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थी 1.25 करोड़, उज्ज्वला योजना 1 करोड़ बल्ब देने का काम किया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 30 लाख से ज्यादा गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया इसका कंपेरेटिव स्टडी मेरा सभी पत्रकार मित्रों को आग्रह है कि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखना चाहिए, जिससे कि छत्तीसगढ़ की जनता उचित फैसला कर सके। वादा करना एक बात है, वादों को पूरा करना एक बात है। 9000 करोड़ का बजट छोड़कर कांग्रेस पार्टी गई थी, आज 9000 करोड़ के विकास के बजट को 83000 करोड़ तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, लगभग 10 गुना वृद्धि की है। जीएसडीपी 38000 करोड़ था, आज 2,91,000 करोड़, इसमें भी करीब 9 गुना वृद्धि करने का काम किया है। विद्युत उत्पादन 4000 मेगावाट था, आज 22000 मेगावाट है। राज्य से विद्युत को निर्यात किए जाते थे, 72000 पंपों की संख्या थी किसानों के लिए, आज 4,50,000 है। कृषि में खाद्यान्न का उत्पादन 65 लाख मैट्रिक टन होता था, आज 103 लाख मैट्रिक टन होता है। बीज का उत्पादन 45000 क्विंटल होता था, आज 10,50,000 क्विंटल होता है। बागायत का फ्रूट्स का उत्पादन 14 लाख मैट्रिक टन था, इसकी जगह 102 लाख मैट्रिक टन होता है। मछली 1,10,000 मैट्रिक टन थी, आज 3,75,000 मैट्रिक टन उसका उत्पादन होता है। उत्पादन से ज्यादा धान की खरीदी के आंकड़े आपके ध्यान में लाने जैसे हैं। खरीफ धान की खरीदी 5 लाख मैट्रिक टन थी, 5 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 70 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ने किया है। कृषि का ब्याज दर 14% था, आज 0 है। लगभग सिंचाई की व्यवस्था में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है, उसको 50% बढ़ाने का लक्ष्य लेकर भी इस संकल्प पत्र में आए हैं मुख्यमंत्री जी। 1,072 किलोमीटर सड़कें थी, ग्राम सड़कें, आज 22,000 किलोमीटर ग्राम सड़कें हैं। कुल सड़कें 29,000 किलोमीटर थी, उसकी जगह 61,000 किलोमीटर तक पहुंचाने का काम हर क्षेत्र में, चाहे एमबीबीएस की सीटें बढ़ानी हो, चाहे इंजीनियरिंग की सीटें बढ़ानी हो, हर क्षेत्र में लगभग 10 गुना बढ़ोतरी करने का काम किया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस पार्टी को नक्सलवाद के अंदर क्रांति दिखाई पड़ती हो, नक्सलवाद क्रांति का माध्यम दिखाई पड़ता हो, वो पार्टी छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर सकती। हमें क्रांति दिखाई पड़ती है गरीब के घर में से धुआं मुक्त कर उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने में, उसके घर को अंधेरे से मुक्त कर बिजली का बल्ब पहुंचाने में हमें क्रांति दिखाई पड़ती है, अनपढ़ बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाने में हमें क्रांति दिखाई पड़ती है, राज्य के अंदर उद्योग लगाकर उसको रोजगारी दिलाने में क्रांति दिखाई पड़ती है, मुरझाए हुए किसान के चेहरे को बोनस देकर और 1.5 गुना समर्थन मूल्य देकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने में हमें क्रांति दिखाई पड़ती है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर करीब 55 साल तक राज्य किया है, मगर देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी और अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, 4.5 साल के अंदर 22 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और रमन सिंह जी ने यहां पर विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। हजारों लोगों से संपर्क किया गया है, छत्तीसगढ़ के बुद्धिजीवियों से संपर्क किया है, बूथ बूथ में हमारे कार्यकर्ताओं ने लाखों वनवासियों से, पिछड़े समाज के लोगों से संपर्क किया है, महिला युवा और किसानों से संपर्क किया है, और संपर्क कर एक वास्तवदर्शी संकल्प पत्र लेकर, एक हमारा चुनावी एजेंडा लेकर रमन सिंह जी आज आए हैं। मैं मानता हूं कि इनका रिकॉर्ड है कि तीनों चुनाव में उन्होंने जो किया है, कहा है, वो उन्होंने किया है। चौथा संकल्प पत्र भी
उनका जो होगा वो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। इसके एक एक शब्द को जमीन पर उतारने में भारतीय जनता पार्टी की टीम श्री रमन सिंह के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कटिबद्ध रहेगी। इसका भरोसा मैं छत्तीसगढ़ की जनता को देना चाहता हूं और आज अपील भी करना चाहता हूं कि तीन बार आपके आशीर्वाद से डॉक्टर रमन के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है और जिस प्रकार का माहौल रमन सिंह को जन आशीर्वाद यात्रा में मिला है उससे मुझे भरोसा है कि चौथी बार भी आप रमन सिंह जी को आशीर्वाद देकर इस जनता की, छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा करने का मौका देंगे। और रमन सिंह जी ने भी जिस प्रकार से अब तक छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, अगले 5 साल भी मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को बीमारू से विकसित बनाने के बाद अब समृद्ध बनाने की दिशा में आगे ले जाएंगे। एक समृद्ध छत्तीसगढ़, नवा छत्तीसगढ़ की दिशा में रमन सिंह जी की सरकार आगे बढ़ेगी, इसका मुझे भरोसा है। अब मैं श्री रमन सिंह जी को सीधा ही निवेदन करता हूं कि वो आपके सामने संकल्प पत्र की मुख्य बातों को रखें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नवा छत्तीसगढ़ संकल्प पत्र 2018 और एक संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़े हैं। 2003, 8 और 13 के बाद 18 में फिर छत्तीसगढ़ की जनता के बीच एक संकल्प के साथ जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को, जिसका निर्माण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, उनके सपने के अनुरूप उस छत्तीसगढ़ का निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस संकल्प को आज आपके सामने छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ की जनता के भरोसे को और विश्वास को प्रकट किया। मैं शुरुआत करना चाहूँगा कांग्रेस और कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, कांग्रेस ने किसानों को एक वोट बैंक की तरह देखा और आज तक इस्तेमाल किया। आज़ादी के 60 साल बीतने के बाद भी यदि किसानों की हालत खराब थी तो उसके जवाबदार कांग्रेस की पुरानी सरकार रही है। मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं हुआ। आज बड़ी बड़ी बातें घोषणा पत्र में करने वाले कांग्रेस के हमारे मित्र, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार 2006 से 2014 तक स्वामीनाथन रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आज 2500 की कीमत बोलने की बात कर रहे हैं, धान की कीमत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब सरकार में थे 2006 से 2014 तक स्वामीनाथन के रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की, केवल बयानबाजी करते रहे। आज यदि केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और लागत मूल्य में 1.5 गुना वृद्धि का तोहफा यदि दिया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है कि किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में जिन योजनाओं को हमने आगे बढ़ाया है और जिन योजनाओं को आज 2018 में जिन बातों को हम दोहराना चाहते हैं उसकी भूमिका मैं कहना चाहूँगा। किसानों को समर्थन मूल्य और किसानों को खरीदी की पूरी व्यवस्था, कहाँ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होती थी, आज 70-80 लाख, इस साल 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, जनता का, किसान का विश्वास जीता और उचित मूल्य पर धान खरीदी, 300 रुपया क्विंटल का हमारे बोनस की व्यवस्था, 200 रुपया समर्थन मूल्य वृद्धि, 2050 और 80 में धान खरीदी की पूरी व्यवस्था हमने की है, 2400 करोड़ का बोनस, 32 लाख लोगों के लिए मुफ्त नमक की योजना कंटिन्यू चलेगी, 24 घंटे बिजली, क्या स्थिति थी बिजली की कांग्रेस के शासनकाल में, आज न केवल 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, ये संकल्प हम दोहरा रहे हैं, उस शिक्षा पर 1% ब्याज दर ऋण की बात हम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए और मजदूरों के लिए जो योजना हुई, 60 वर्ष से अधिक आयु के लघु सीमांत किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को 1000 रुपया का पेंशन, अगले 5 वर्षों में किसानों को 2 लाख नए पंप कनेक्शन देने की योजना, दलहन तिलहन किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था, लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य, हमने कहाँ तक पहुँचे हैं, आज 2500 रुपया आज तेंदुपत्ता के संग्रहण में प्रति मानक बोरा खरीदी की व्यवस्था हमने की है, 400 रुपये से बढ़ाते हुए हमने संकल्प लिया है इस समर्थन मूल्य को 1.5 गुना और बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती के रूप में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़
नक्सल से मुक्त प्रदेश बनेगा, इसका संकल्प हमने लिया है। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों हेतु गुरु घासीदास एवं अमर शहीद गुंडाधुर छात्रवृत्ति योजना शुरू की, निराश्रित पेंशन में वृद्धि की जाएगी, ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों के लिए पक्का आवास, ये बहुत बड़ी योजना 2022 तक सबके लिए आवास, ये इस संकल्प को छत्तीसगढ़ ने फिर से नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प पत्र में दोहराया है। नोनी सुरक्षा योजना जिसे 1 लाख की राशि दी जाती थी अब उसको बढ़ा के 2 लाख रुपया किया जाता है। कक्षा 9वीं में प्रवेश पाने वाले समस्त छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल, 12वीं तक सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क गणवेश और पाठ्य पुस्तक, सभी के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और गणवेश की व्यवस्था, मेघावी छात्रों को छात्रावास की सुविधा, निःशुल्क स्कूटी, महिलाओं को व्यापार हेतु 2 लाख, स्व सहायता समूह को 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था, जिला अस्पताल बनेंगे मल्टी स्पेशलिटी, अंबिकापुर जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण, युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौशल उन्नयन बेरोजगारी भत्ता, 200 करोड़ रुपये के उद्यमिता मास्टर फंड की स्थापना, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए नया विश्वविद्यालय, पेंशनर को 1000 रुपया प्रति माह चिकित्सा भत्ता, गरीब परिवारों को 5 लाख, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए हमने जिस योजना की शुरुआत की उसको आगे करेंगे, गरीबों के लिए 5 लाख रुपया तक आयुष्मान भारत और 1 लाख रुपया जो 50,000 तक अभी हम स्वास्थ्य सुरक्षा में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम जिसको बनाया है 50,000 का उसको बढ़ा के सीधा 1 लाख रुपया यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, ये सबके लिए हमने इस योजना को लागू किया है। 1 लाख तक स्वास्थ्य बीमा और गरीबों को 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था, पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा, सभी ब्लॉक मुख्यालय पर शासकीय कर्मचारियों के लिए कॉलोनी का निर्माण, नगरीय क्षेत्र में स्थायी एवं नजूल पट्टों का नियमितीकरण और नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा, पुलिस सेवा शर्तों संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष व्यवस्था का निर्माण, रायपुर अटल नगर भिलाई दूर राजनांदगांव समूह का स्टेट कैपिटल के रूप में विकसित किया जाएगा, छोटे व्यापारियों को 5 लाख तक व्यापार बीमा, छत्तीसगढ़ का विश्व पटल पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी का निर्माण, पूरे विश्व में बसे हुए छत्तीसगढ़ वासियों के लिए को एक पटल में लाने के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की स्थापना, छत्तीसगढ़ में विकास की उस कल्पना को साकार करने के लिए जिन कल्पना को हमने पूरा किया है उसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं हमारी चल रही है जैसे आजीविका मिशन कॉलेज, ये अपने आप में हिंदुस्तान में 27 जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना की गई, और श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण मंडल भवन एवं सनिर्माण कल्याण मंडल असंगठित कर्मकार मंडल के लिए जो योजनाएं चल रही है उस योजना का विस्तार हम करेंगे। इसके साथ साथ बाल श्रवण योजना, बाल हृदय योजना और जिन योजनाओं का विस्तार हमने इस 5 सालों में किया है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को रखा गया है मुझे लगता है कि सिर्फ यह झूठ और छलावा के सिवाय कुछ नहीं, क्योंकि 40,000 करोड़ का बजट कहाँ, कांग्रेस ने उस 5-6 हज़ार बजट छोड़ा था, आज घोषणा पत्र में 40,000 करोड़ की बात सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सारी घोषणाएं की गई हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उसको 100% किया, और आज जो हम अपना नवा छत्तीसगढ़ संकल्प पत्र 2018 लेके आ रहे हैं इसका 100% क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी करेगी, आज इस संकल्प पत्र को हमने दोहराया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब भोजन पर आमंत्रित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।